हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम। यहाँ लिखा है इन फिगर, ये फिगर आपको बना हुआ मिलेगा। यहाँ लिखा है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं तो सभी 14 सेंटीमीटर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये भी 14, ये भी 14, सभी 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है विथ सेंटर्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। और ये ए बी सी डी ये जो सेंटर किसके हैं, इन छोटे सर्कल्स के सेंटर हैं। आगे लिखा भी है देखो, फोर सर्कल्स, इन फोर सर्कल के सेंटर है ए बी सी डी, ठीक है। क्योंकि ये इसके सेंटर में है, ये सब क्या है इसके सेंटर है सर्कल के। अब सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री सर्कल। देखो ये एक सर्कल है, इन तीनों में से ये दो को टच कर रहा है, इसको और इसको, ठीक है ना। और आगे ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन क्या है, ये जो बीच का ये गैप है ये शेडेड रीजन है पूरा, इतना पता लगाना है। तो इसके लिए देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर, और ये इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट तो बाकी इसमें लगभग सभी हैं एक तरह से, लेकिन ये देखिए इसमें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। अगर तो एक ये 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आसान भी है और ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम फ्रॉम फिगर, चित्र से सीधे सीधे हम देख रहे हैं। देखो इन छोटे सर्कल्स की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये पूरा 14 है तो ये यहाँ से यहाँ तक आप कितना हो जाएगा 7, आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर का एरिया, इसमें से ये चारों पोर्शन हटा दो सर्कल के, ठीक है। तो माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। क्वाड्रेंट होगा ना ये, एक देखो एक चौथाई भाग होगा, जैसे सर्कल क्या है, ये सर्कल है तो ये इसका एक चौथाई भाग होता ही, क्वाड्रेंट होता है 1/4, ठीक है ना। या फिर हम इन चारों पार्ट्स को मिला के पूरा एक कंप्लीट सर्कल भी बनना है, या पूरा कंप्लीट एक सर्कल का हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे इन चारों पार्ट से मिलके एक सर्कल बन रहा है, तो सीधे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सब ना लिख के, ठीक है ना। तो अब लिख लिया है तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बात वही है देखो, पाई आर स्क्वायर सर्कल का ही एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब 14 इंटू 14 196 होता है, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 7 है, तो 7 इंटू 7 क्योंकि आर स्क्वायर है, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 196 माइनस 7 2 14 की 4 1 कैरी आई, 7 2 14 और 115। अब इसको इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4, 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है।